प्रिय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चरित्र किसे कहते हैं, चरित्र की परिभाषा, चरित्र की परिभाषा प्रमुख विद्वानों के अनुसार, चरित्र निर्माण के गुण की जानकारी दी जा रही है। चरित्र की परिभाषा, चरित्र किसे कहते हैं, पहले हम आपको बता रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने चरित्र को व्यक्तित्व, नैतिकता या स्वभाव या इन सब का पूर्ण योग माना है। चरित्र ही वह आधार है जो व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वयं से, तत्पश्चात समाज से सद्भावना का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य का सशक्त चरित्र उसकी व्यक्तिगत सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है। विनम्रता, विनयशीलता, सज्जनता जैसे श्रेष्ठ मानवीय विशेषताएं ही चरित्र की ही परिभाषाएं हैं। अन्य शब्दों में हम आपको बता रहे हैं, डमविल के अनुसार चरित्र की परिभाषा, चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। अन्य विद्वान के अनुसार चरित्र की परिभाषा बता रहे हैं, चरित्र एक गतिशील धारणा है या व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहार की विधियों का पूर्ण योग है। चरित्र एक गतिशील धारणा है या व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहार की विधियों का पूर्ण योग है। अब हम आपको बता रहे हैं चरित्र निर्माण के लिए निम्नलिखित गुण कौन कौन से हैं। पहला है, व्यक्ति में विनम्रता होना बेहद आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति मृदुभाषी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, उसके अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहे। पांचवा पॉइंट है, उसके अंदर दयालुता होनी चाहिए। छठा और अंतिम पॉइंट है, वह निर्धनों और असहायों के प्रति करुणा का भाव रखता हो। इस वीडियो में चरित्र के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।